तो हिंदुस्तान टुडे पर हम आपको लगातार ताजा तरीन खबरें दिखाते रहते हैं। इसी को लेकर आइए हम आपको दिखाते हैं, हिंदुस्तान टुडे के विशेष संवाददाता सुनील सिंह रजावत ने खास बातचीत की है इंजीनियर अमित कुमार तिवारी से। आप भी देखिए क्या कुछ कहा अमित कुमार तिवारी ने। यहाँ पर एक ऐसे युवा से आपको परिचय कराते हैं जो की एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर है के पद में कार्यरत है, लेकिन लॉकडाउन के चलते वो अपने गृह क्षेत्र डबरा में ही रह गए हैं। अब उन्होंने किसके कहने पर, किससे प्रेरणा लेने पर लॉकडाउन में समाज सेवा करने का प्रण लिया है और लगातार करते आ रहे हैं। आइए बात करते हैं। अमित जी, हिंदुस्तान टुडे में आपका स्वागत है। आपको किसने प्रेरणा दी कि आप समाज सेवा की? मुझे प्रेरणा देने वाले मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री हरिहर प्रसाद तिवारी जी और मेरे पिता श्री अशोक तिवारी, उनका मेन। जैसे हमें सुनने में आया कि आपने पीएम केयर फंड में कुछ पैसा जमा किया, कैसे किया, क्या है सही कि मेरे पास जमा किया? जैसा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया कि पीएम केयर फंड में सब डोनेट करें, इस महायज्ञ में एक छोटा सा आहुति है जो मेरी एक महीने की तनख्वाह 80,000 है। नहीं, आप एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तो यहाँ पर आके आपको मौका नहीं मिला दिल्ली तक दोबारा जॉब वहाँ जाने का ऑफिस में? जी, जैसे कि लॉकडाउन हुआ, दिल्ली की सारी कंपनियां बंद हुई, तो मैं घर आ गया 21 तारीख को, और उसके बाद आया तो मुझे लगा कि आज तक सेवाएं मैंने दिल्ली में प्रदान की हैं, अब मुझे अपने शहर के लिए भी कुछ करना चाहिए, यहाँ के लोगों के लिए भी कुछ करना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर रुका और ये इनिशिएटिव किया। हिंदुस्तान टुडे आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता है। बहुत बहुत कि आपने गरीबों के लिए 80,000 रुपये की माह की सैलरी आपने हिंदुस्तान पीएम केयर फंड में दी है। हिंदुस्तान टुडे आपको बहुत बहुत दिल से दोबारा भी देता है। बहुत बहुत। जैसा आपने देखा कि एक युवा इंजीनियर, पीएम मोदी ने भी कहा है अगर युवा ठान ले तो क्या नहीं कर सकते। युवा इंजीनियर अमित तिवारी एक लोगों के लिए मार्गदर्शन है, एक प्रेरणा के स्रोत। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कोई दृढ़ संकल्प नहीं है जो एक देश की युवा न कर पाए, चाहे वो एयर फंड में पैसे जमा करने वाली बात हो और या फिर गरीबों को दो वक्त का खाना मुहैया कराने के लिए। हिंदुस्तान के लिए